दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। मध्य प्रदेश पुलिस विभाग के द्वारा हाल में ही पुलिस व्यवस्था में सुधार लाने की नियत से बीट प्रभारियों को अब बीट अधिकारी के रूप में प्रभार दे दिया गया है। ये व्यवस्था शहर से लेकर गांव तक बनाई गई है। इसका पालन रीवा जिले में शुरू भी हो गया है। पुलिस मुख्यालय का इसके पीछे उद्देश्य ये है कि पुलिसकर्मी ज्यादा से ज्यादा अपनी जवाबदारी को संभालते हुए निर्धारित बीट में होने वाले अपराध पर नियंत्रण रख सके। वहीं बनाई गई व्यवस्था को लेकर एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर बीट सिस्टम में बदलाव किया गया है। पहले एक बीट प्रभारी के बीच में चार इंचार्ज होते थे, लेकिन अब नए सिस्टम में कर्मचारी को ही अधिकारी बना दिया गया है। इस तरह से अब आरक्षक ही अपने बीट का अधिकारी बनाया गया है। आइए आपको सुनाते हैं नई बीट प्रणाली के संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने क्या कहा है। ये प्रदेश स्तर पर पुलिस मुख्यालय ने एक निर्देश जारी किए थे, जिसमें प्रदेश के सभी थानों में जो बीट सिस्टम है, जो अभी तक क्या होता था कि बीट में एक अधिकारी होता था, उसके अंडर में तीन चार कर्मचारी होते थे, इस तरह से एक बीट बन जाती थी। जैसे रीवा शहर में कुतवाली में दो बीट थी, समान में दो बीट थी, सिविल लाइन में तीन बीट थी, इस तरह से उसमें एक अधिकारी होता था, उसके साथ एक हवलदार, एक दो चार कर्मचारी, इस तरह से सिस्टम बना था पुराना सिस्टम। नए सिस्टम के तहत जब ये बीट सिस्टम बनाया गया है, रीवा ज़िले में भी उसका पालन किया और यहाँ भी सिस्टम बन गया है, उसमें अब क्या है कि कर्मचारी को बीट का अधिकारी बना दिया गया है कि ये गांव, ये मोहल्ला, ये वार्ड में ये कर्मचारी जो है आरक्षक, वो बीट का अधिकारी रहेगा। और इस तरह से सभी क्षेत्रों में कर्मचारी यानी आरक्षक लेवल तक को बीट का अधिकारी बना दिया है। उसके बाद अलग अलग बीटों को बांट के उन पर सुपरविजन करने के लिए उनके अधिकारी लगाए गए हैं। तो ये नया सिस्टम रीवा ज़िले में भी पूरी तरह से लागू कर दिया गया है और बीट सिस्टम को इसमें सफल बनाने के लिए सारे अधिकारी कर्मचारी प्रयासरत हैं और जा जाके कर्मचारी भी बीट में लोगों के साथ बैठक करके उनसे पर्चे प्राप्त कर रहे हैं और अपना पर्चे दे रहे हैं। और किसी भी तरह की कोई समस्या आने पर सबसे पहले बीट का कर्मचारी उसको हैंडल करेगा और बीट के कर्मचारी के पास सारी जानकारी रहे, इसलिए बीट कर्मचारियों को भी इस संबंध में प्रशिक्षित भी किया जा रहा है, समझाइश भी दी जा रही है। हाँ, वार्ड हो सकता, मोहल्ला हो सकता, शहर के क्षेत्र में जो बड़ा है उसको थोड़ा सा हो सकता, वार्ड बड़ा है तो उसमें छोटा एरिया दे दिया जाए उसको, अगर कोई एरिया छोटा है तो उसमें हो सकता है उसको दो तीन एरिया दे दिए जाए। इस तरह से शहर में है, इसी तरह से गांव में कि हो सकता है अगर एक गांव वो उतने कर्मचारी नहीं है तो दो तीन गांव मिला के एक कर्मचारी को उसका बीट अधिकारी बनाया जाए उन तीन चार गांवों का, इस तरह से सिस्टम बनाया गया। क्या होता था कि अधिकारी निश्चित रूप से विवेचनाओं के काम में, वीआईपी ड्यूटियों में और अन्य कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं, वो बीट का उतना तेज़ी से भ्रमण नहीं हो पाता, लेकिन कर्मचारी रहता है तो उसके पास इतना वर्कलोड नहीं रहता दूसरे कार्यों का, तो वो लगातार भ्रमण में रहेगा और साथ में पब्लिक के लगातार संपर्क में रहने से लोग उसको अच्छे से अप्रोच कर सकेंगे और वो उनकी समस्या जो हद तक समाधान कर सकता है प्राथमिक रूप से वो कर लेगा, फिर अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बता के उनके माध्यम से करा देगा।